बच्चों हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में 11th क्लास की एनसीईआरटी के पार्ट 2 में चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज में समरी को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उसमें समरी के पॉइंट्स टू पॉन्डर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, दैट फ्लोज बिटवीन ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम, जो कहाँ से कहाँ बहती है, ऐसे कह सकते हैं, प्रवाहित होती है, तो किसी बॉडी वस्तु एवं उसके आसपास के माध्यम में बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। क्यों फ्लो होती है? तापांतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण। The degree of hotness of the body is quantitatively represented by temperature. तो बच्चों ये definition आगे फिर से temperature की, यहाँ से भी आप इस definition को तैयार कर सकते हैं। Degree of hotness of the body is quantitatively represented by temperature, ऐसा हम कह सकते हैं। Second point है, temperature measuring device जिसे हम thermometer कहते हैं, makes use of some measurable property called thermodynamic property, जो कि बदलनी चाहिए, है ना, ऐसे कोई ऊष्मामिति से संबंधित थर्मोमेट्रिक ऊष्मामिति संबंधित गुण होना चाहिए जो बदले, दैट चेंजेस विद टेम्परेचर, तो उसे नापकर हम तापमान को नाप सकते हैं। डिफरेंट थर्मोमीटर लीड टू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, टू कंस्ट्रक्ट ए टेम्परेचर स्केल, जब भी हमें कोई थर्मामीटर बनाना है, टेम्परेचर स्केल बनाना है, जैसे कि केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, टू फिक्स पॉइंट्स आर चोजन, तो हमें दो फिक्स्ड पॉइंट्स, दो निश्चित बिंदु चुनने होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम चुन सकते हैं, एंड असाइंड सम आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, तो उनको उन पे जो टेम्परेचर की वैल्यूज हमने दी, द टू नंबर्स फिक्स द ओरिजिन ऑफ द स्केल एंड द साइज ऑफ इट्स यूनिट, यही दो जो नंबर हैं वो स्केल का ओरिजिन भी सेट करेंगे और उसकी एक यूनिट का साइज भी सेट करेंगे। जैसे एक फारेनहाइट और एक डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें डिफरेंस होता है बच्चों, हाँ डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं एक केल्विन का, तो एक केल्विन का डिफरेंस एक डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। द सेल्सियस टेम्परेचर टी सी एंड फारेनहाइट टेम्परेचर टी एफ आर रिलेटेड बाय, ये फॉर्मूला हमने डिराइव करके देखा था, टी एफ इक्वल टू 9/5 टाइम्स टी सी प्लस 32। इसको और भी अलग फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको याद रखना आसान हो आप उस फॉर्मेट में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू C बाय 5 इक्वल टू रूमर स्केल यूज करें तो R बाय 4, इस तरह का फॉर्मेट भी है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट इज द आइडियल गैस इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज, ये होती है PV इक्वल टू म्यू RT, जहां पर म्यू नंबर ऑफ मोल्स हैं एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, इन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल द जीरो ऑफ द स्केल इज द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर वेयर एवरी सब्सटेंस इन नेचर हैज द लीस्ट पॉसिबल मॉलिकुलर एक्टिविटी, सब चीजें जम जाती है ऐसा हम कह सकते हैं, तो लीस्ट पॉसिबल मॉलिकुलर एक्टिविटी होगी जीरो केल्विन पर, तो एब्सोल्यूट जीरो वही होता है। द केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कैपिटल टी में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हैज द सेम यूनिट साइज एज द सेल्सियस स्केल, टी सी के बराबर ही, बट डिफर्स इन द ओरिजिन, तो ओरिजिन दोनों का डिफरेंट होता है, जीरो केल्विन इज नॉट इक्वल टू जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। एक्चुअल में जीरो केल्विन जो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सो उसी से ये रिलेशन निकल के आया हमारे पास, टी सी इक्वल टू टी -273.15। तो जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है केल्विन से, यू कैन यूज दिस रिलेशन। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा सबस्क्रिप्ट एल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन अल्फा सबस्क्रिप्ट वी, जिसे हम गामा से भी दिखा देते हैं बच्चों, आर डिफाइंड बाय द रिलेशन, यहाँ मिसिंग है, आप इसको फिल इन द ब्लैंक की तरह एक्सरसाइज लेकर कंप्लीट कर लें, बुक में दिया हुआ है और वैसे आप जानते होंगे यहाँ पे क्या क्या आएगा, है ना, कहाँ पर क्या छपना है, यू कैन कंप्लीट इट, और हो सकता है आपके बुक में छपा हुआ। डेल्टा एन एंड डेल्टा वी डिनोट द चेंज इन लेंथ एल एंड वॉल्यूम वी फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, रिलेशन बिटवीन दैम, जो वॉल्यूम वाला कॉफिशियंट होता है वो 3 times लेंथ वाले कॉफिशियंट के बराबर होता है, लीनियर कॉफिशियंट ऑफ एक्सपांशन के 3x के बराबर होता है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एस से दिखाएंगे, ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा पहले इसी में बता रहे हैं एम क्या है, मास है सब्सटेंस का, डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को वन ले लेंगे तो वन केल्विन या 1 डिग्री से चेंज करने में जो हीट लगेगी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर जाएंगे तो मास मल्टीप्लाई, यहाँ जो मिसिंग है इसको मैं थोड़ा सा रिकंसिडर करो, उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ बच्चों। एक्चुअल में एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक वर्ड अगर हम हटाते हैं, है ना, क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाएगी, मैंने दोबारा से मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक वर्ड हटा देंगे तो यहाँ पर एम एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको हम कैपिटल एस से दिखा सकते हैं। हीट कैपेसिटी इज कैपिटल एस एंड इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल एस, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो एम चले जाएगा डिनोमिनेटर में। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ म्यू आएगा नीचे, है ना, यहाँ सी के बाद इक्वल टू है, तो एम एस वाला नहीं है जैसे मैंने बोला था, सी इक्वल टू वन अपॉन म्यू टाइम्स क्यू बाई टी। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पर मोल है इसकी यूनिट में। पर अगर हम स्पेसिफिक हटा दें, मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ। सो रिलेशंस आर लाइक दिस, स्पेसिफिक वर्ड आने पर एम नीचे चले जाता है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ म्यू मिसिंग है और यहाँ इक्वल टू का साइन मिसिंग है। नेक्स्ट पॉइंट एट, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ इज द हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसको एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से दिखाते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एल सबस्क्रिप्ट वी इज द हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर स्टेट, उबालना है, भाप में बदलना है या वेपर में बदलना है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये चैप्टर की समरी है, जो जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो आउटकम यहाँ पर समराइज्ड है। 10th पॉइंट, इन कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन नेबरिंग पार्ट्स ऑफ ए बॉडी थ्रू मॉलिकुलर कॉलिजन्स, जाके टक्कर होती है ना, अपनी जगह नहीं छोड़ते, है ना, टकराते विदाउट एनी फ्लो ऑफ मैटर, मैटर फ्लो नहीं हो रहा है। फॉर ए बार ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए विद इट्स एंड्स मेंटेन ए टेम्परेचर टी सी एंड टी डी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एच इज, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, के ए टाइम्स टी सी माइनस टी डी अपॉन एल। के को हमने यहाँ पर बोला थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बार, आपसे इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 11th पॉइंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो लास्ट में हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में, सेज दैट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग्स, टी टू माइनस टी वन के प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो रेट ऑफ कूलिंग है उसको हमने डी क्यू बाई डी टी से दिखाया, रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस अगर दिखाना था तो डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी से दिखाते, जहाँ स्मॉल टी टाइम होता है और कैपिटल टी होता है टेम्परेचर, ताप ह्रास की दर हिंदी में कहते हैं उसको। तो माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि घट रही है कोई चीज, जब घट रही होती है तो माइनस साइन, और ये जो के है कॉन्स्टेंट है। टी वन इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड टी टू इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें जैसे कि आप देख रहे हैं क्वांटिटी है, सिंबल है, डायमेंशन है, यूनिट है और रिमार्क है। इस चैप्टर में जितने भी नई क्वांटिटीज आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को म्यू से दिखाया, मोल बोलते हैं, यूनिट भी मोल होती है, सेल्सियस टेम्परेचर टी सबस्क्रिप्ट सी से दिखाया केल्विन, डायमेंशन हो गए इसके कैपिटल के से दिखाया उसको, और डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं, ये इसमें सारे जो यूनिट्स डायमेंशंस ये सब एक्सप्रेस है जिन क्वांटिटीज को हमने पढ़ा। So now points to ponder. पहला पॉइंट है the relation connecting Kelvin temperature capital T and Celsius temperature TC, जो हमने सीखा भी, and the assignment capital T equal to 273.16 Kelvin for the triple point. अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ तो 15 है या 16 है, तो इसको इससे इस तरह से समझें कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर एक्चुअल में जीरो नहीं होता, होता 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स वाई हियर इट इज 0.16। वाटर आर एग्जैक्ट रिलेशंस बाय चॉइस,
With this choice, the Celsius temperature of the melting point of water and boiling point of water, both at 1 atmospheric pressure, are very close to but not exactly equal to 0 degree centigrade and 100 degree centigrade respectively. तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया गया है, इसके बिल्कुल पास होते हैं पर एग्जैक्टली नहीं होते. इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल दीज लेटर फिक्स्ड पॉइंट्स वर एग्जैक्टली एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री बाय चॉइस. समझ गए, तो किया गया है ऐसा. बट नाउ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द प्रिफर्ड चॉइस फॉर फिक्स्ड पॉइंट. तो ऐसा किया गया था पर अभी जो नई प्रिफर्ड ज्यादा अच्छा जो मानते हैं वो हम फिक्स पॉइंट किसको मानते हैं, ट्रिपल पॉइंट को मान के मेजर करना चाहेंगे बिकॉज इट हैज अ यूनिक टेम्परेचर. ठीक है, बाकी तो चेंज हो जाता है. सेकंड, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर. तो द्रव जो कि गैस के साथ साम्यावस्था में है हैज द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम. ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर पूरे सिस्टम में सेम. द टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम डिफर इन देयर मोलर वॉल्यूम That is density. हालांकि liquid की density अलग होगी, vapor की density अलग होगी. This is true for a system with any number of phases in equilibrium. चाहे कितनी भी phases equilibrium में हो, साम्यावस्था में अगर है तो pressure और temperature same रहता है. Triple point हम इसी basis पे define करते हैं बच्चों. Third point, heat transfer always involves temperature difference between two systems or two parts of the same system. Any energy transfer that does not involve temperature difference in some way is not heat. So what does it mean? इसका क्या मतलब निकल के आता है? ऊष्मा ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए यानी हीट ट्रांसफर के लिए हमेशा ये जरूरी है कि तापांतर वहां मौजूद हो, तापमान में अंतर हो, चाहे दो निकायों के बीच या सेम सिस्टम के दो हिस्सों के बीच, एक ही निकाय के दो भाग के बीच. तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज नॉट हीट. उसमें एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर, ये कंसेप्चुअल पार्ट है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना. ये लाइन जो है एक कंसेप्ट है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कहीं पर दो सिस्टम्स के बीच या एक सिस्टम के दो डिफरेंट पार्ट्स के बीच और उनके बीच टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है तो वो एनर्जी का फॉर्म हीट नहीं हो सकता. सम वे इज नॉट हीट, हीट के फॉर्म में नहीं होगा, दूसरे फॉर्म में होगा. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी, वट एवर फॉर्म में भी, बट नॉट हीट. चौथा पॉइंट, कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ मैटर विद इन ए फ्लूइड ड्यू टू अनइक्वल टेम्परेचर्स ऑफ इट्स पार्ट्स. ठीक है, उसमें फ्लूइड मैटर खुद फ्लो होगा. फ्लूइड कह दो, फ्लूइड हम बोल देते थे पहले, फ्लूइड इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ए हॉट बार प्लेस्ड अंडर ए रनिंग टैप लूजेस हीट. ठीक है, किसी चिमटे को आपने गर्म किया सपोज गैस पे, उसके बाद आपने नल के ठंडे पानी के नीचे रखा तो ठंडा हो जाएगा बाय कंडक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बार एंड वाटर एंड नॉट बाय कन्वेक्शन विद इन द वाटर. ठीक है, कंडक्शन से ठंडा हो, ये समझने के बाद. तो बच्चों एक्सरसाइजेस हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.